हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के। आज कनीना सुभाष क्लब में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। विषय था अटेली विधानसभा क्षेत्र बीजेपी की सीट का। यहाँ के लोग चाहते हैं कि वर्तमान विधायक को टिकट ना देकर किसी नए चेहरे को टिकट दे। कार्यक्रम में कनीना ब्लॉक के गांव से पार्टी के वरिष्ठ जन एकत्रित हुए, जिसमें अमरजीत यादव ने बताया कि वर्तमान विधायक पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रहे हैं। कनीना ब्लॉक में उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं करवाया, यह कहना है अमरजीत यादव का। इसलिए यह सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। अगली मीटिंग 23 तारीख को सुबह 11 बजे आरएस वाटिका में करेंगे। इसमें कनीना ब्लॉक के बहुत सारे गांव एकत्रित होंगे और वो लोग चाहते हैं कि किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाए। अटेली में स्थानीय विधायक के प्रति भारी रोष है, इसको लेकर सभी वर्ग पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के हाईकमान के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इस मीटिंग में सबको नए चेहरे का आगाज करवा। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? अमरजीत यादव। अच्छा, आप यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए सभी लोग? सभी लोगों की एक भावना है कि हमारे जो पीछे 5 साल गुजरे, आने वाले 5 साल ऐसे ना गुजरे। क्या हुआ इन 5 सालों में? हमारे जो पार्टी का कार्य था वो बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। किस पार्टी से हैं आप? बीजेपी पार्टी से। अच्छा, ठीक है, बताइए। लेकिन इसमें जो हमारी हलके की कमान जिसके पास थी, जो विधायक संतोष यादव थी जी, उसके सारे विरोध में खड़े बैठे हैं और ये एक बहुत छोटी मीटिंग है जी, बहुत बड़ी मीटिंग होगी जी, जी। और उसमें सब लोग सामने आएंगे। हमारे हलका विधायक की जो विरोध चल रहा है वो सब आप लोगों के सामने आएगा। अच्छा, तो कहाँ कहाँ कितने गांव के लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं इसमें? इसमें पूरे जो हमारे पास में 94 पंचायतें, दो नगर पालिकाएँ हैं, ये सब 96 के 96 सबके से प्रतिनिधित्व व्यक्ति होंगे, जिसमें हर गांव से, हर नगर पालिका से 5 से 7, 10, 20 लोग होंगे। ठीक है, तो आपका और भी कोई उद्देश्य है क्या इसके साथ में? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र को, जो हमारे हलका का कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, जो पुराना कार्यकर्ता है, उसको टिकट दीजिए और जो हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई करे। आज की हालात ये है कि हमारे हर पुराने कार्यकर्ता को रोंदा जा रहा है इस विधायिका के द्वारा। नहीं, किस तरीके से रोंदा जा रहा है? आपका सपोर्ट नहीं कर रही क्या वो? नहीं, जैसे दूसरे आदमियों को, किसी भी अपोजिशन आदमी से कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसका सपोर्ट करना, वो करना, इस टाइप के। और कोई बात है आप कहना चाहते हैं मीडिया के जरिए लोगों के बीच में? मीडिया के जरिए हम तो एक ऊपर सरकार को एक अपना अनुरोध पहुंचा रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से आने वाले समय में हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट हो और हमारे जो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हो वो हो। ठीक है, थैंक। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम कुंदन लाल है, चेयरमैन मार्केट कमेटी कनीना हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग क्यों इकट्ठे हुए यहाँ पे सभी लोग? ये हमारे वरिष्ठ वर्कर हैं, आगे कोई हम एक बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं। स्थायी विधायक है ना, स्थानीय, उनसे लोग तंग हैं। हम नहीं चाहते कि ये विधायक दोबारा टिकट मिले, हम चाहते हैं कि इसी हलके का आदमी कोई भी हो जो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी टिकट देने चाहिए। हम पूरी उसकी तय दिल से मदद करेंगे। तो इनके अलावा और भी किसी का नाम आप जानते हैं जो कहना चाहते हैं कि उसको टिकट देना चाहिए? नहीं, लोग खड़े नहीं, नहीं, हम पार्टी पर, हम पार्टी पर ये दबाव नहीं बढ़ाना चाहते, फला आदमी को दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो, जो पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे, जो पब्लिक की भावना समझे, अच्छा आदमी हो, इस आदमियों के बीच का हो, इस हल्के का हो, हल्के से बाहर का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करे। हम पार्टी की इज्जत करते हैं, पार्टी ने बढ़िया काम किए, देश विदेश में भी पार्टी की, इस देश की ख्याति पहुंची है। मोदी जी, अमित शाह जी और खट्टर साहब सब बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, हम खुश हैं, पब्लिक भी खुश है। तो केवल यादव ही लोग इकट्ठे हुए क्या? सभी लोग? सब जाति लोग हैं जी, यहाँ पर सब जाति के वरिष्ठ वरिष्ठ, कई का 50-60 गांवों के आदमी है ये। अच्छा। सब जाति कामों के आदमी है, ये नहीं एक जाति के, नहीं है, सब
सब जाती है। तो अगर पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी तो आप अगला कदम क्या देखो उठाएंगे? जी ऐसा हो ही नहीं सकता। आके पार्टी हमारी बात मानेगी, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की हमेशा इज्जत करती है, बीजेपी भी यही खासियत है, कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है, कार्यकर्ताओं को। तो आपने बड़े लेवल पे किसी से बात की है क्या? करेंगे जी, पहले बहुत पूरे हल्के की मीटिंग करेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे और बरवाला से अध्यक्ष साहब से मिलेंगे, मोदी जी अमित शाह से मिलेंगे, हम अपना पूरा विरोध करेंगे जितना हमारा होगा। अगली मीटिंग कब करेंगे आप? आप जल्दी कर रहे हैं, विचार बैठ कर करते हैं, जल्दी मीटिंग करेंगे। तो कनीना क्षेत्र रहेगा, कोई और रहेगा जगह? ना जी, कनीना अटेली पूरा हल्के करेंगे जी, हम सब छोटी मीटिंग कर कर एक बड़ी मीटिंग अटेली भी कर सकते हैं या कनीना कर सकते हैं, हम करेंगे जरूर। ठीक, थैंक यू।